हाल ही में गोंडा शहर के टाउन हॉल में फिल्म जगत का एक खास कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर अजय नकुल फिल्म के बैनर तले गोंडा में कई प्रतिभाओं ने हिस्सा लिया। इस साल लखनऊ से लेकर गोंडा एवं कई जगह से आए हुए कलाकार टाउन हॉल में अपनी प्रतिभाएं दिखाते नजर आए। इस प्रोग्राम में गोंडा के जाने माने सर्जन डॉक्टर डीएन सिंह के भाई डॉक्टर धर्मेंद्र एन सिंह मिस्टर पूर्वांचल चुने गए, जो कि एक सर्जन भी है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक विपिन एच सिंह रहे। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गोंडा जिले में अब स्तन कैंसर, थायराइड कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर का सफल ऑपरेशन और इलाज अब डीवीएसएम हॉस्पिटल में ही संभव है। इसके अतिरिक्त गुदा रोग संबंधी सारी बीमारियों जैसे पाइल्स, फिस्टुला, फिशर आदि का आधुनिकतम इलाज अब यहां बेहतर तरीके से किया जाता है। ये प्रोग्राम अपने टाउन हॉल में हुआ था। इसको अजय नकुल फिल्म बैनर तले यहां पे आयोजित किया गया था, जिसके मुख्य आयोजक विपिन एच सिंह थे, जिसमें डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग, किड्स मॉडलिंग आदि चीज़ों का प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें प्रदेश के कई जिलों से लोग आए हुए थे। आप भी इसका हिस्सा रहे? हाँ, हम भी इसका हिस्सा थे और हम मिस्टर पूर्वांचल चुने गए और डॉक्टर संध्या सिंह मिसेज गोंडा चुनी गई। तो इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट कब से है और इससे पहले भी क्या आपने पार्टिसिपेट किया ऐसे प्रोग्राम में? इससे पहले हमने पार्टिसिपेट किया है और फील्ड में तो रुचि बहुत पहले से थी। मेरे फ्रेंड भी अभी मॉडलिंग कर रहे हैं, कुछ अपना इस लाइन में है, स्टार्टिंग से ही है, तो थोड़ा सा अपना रुझान इस तरफ था शुरू से ही। इससे पहले भी किसी तरह का खिताब आपको मिल चुका है? हाँ, अभी लास्ट ईयर बेस्ट हॉस्पिटल का अवार्ड अरबाज खान साहब से मिला था, वो लखनऊ में आयोजित हुआ था। आपके प्रोफेशन की बात कीजिए, किस फील्ड के ऑपरेशंस हैं या सर्जन है, कैसे क्या करते हैं? हम एमएस एनुअल रेक्टल सर्जन है, जनरल सर्जन है, और डॉक्टर डीएन सिंह जो है ब्रेस्ट एंडोक्राइन सर्जन है, जो बहुत ही रेयर ब्रांच है। पूरे इंडिया में समझ लीजिए 20 से 25 लोग हैं और पूरे वर्ल्ड में जो है 100 से 150 लोग हैं, जिसमें स्तन कैंसर, थायराइड का स्पेशली जो सर्जरी होती है, जो गोंडा जिले में, पूरे पूर्वांचल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी गोंडा में बहुत ही मिनिमल रेट में हो रहा है। जो यही सर्जरी बाहर अभी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी अभी या फोर्टिस या सारा या बाहर कराते हैं तो यही चार्ज जो 4 लाख से लेके 14-15 लाख रुपए, लीलावती में 15 लाख तक खर्चा आता है, वो सारी सर्जरी जो है यहाँ पे बहुत ही मिनिमल रेट में होती है और ये सारी सर्जरी गोंडा में पॉसिबल आज की डेट में है। हमारी तरफ पूरी एनोरेक्टल सर्जरी जैसे फिशर है, ना पाइस है, हेमराइड का जिसे कहते हैं, ये सारी सर्जरी आधुनिकतम तरीके से की जाती है। ऐसे कितनी सक्सेसफुल सर्जरी आपने गोंडा में की है? बहुत सारी सर्जरी यहाँ पे हुई है और स्पेशली यहाँ पे जो स्तन कैंसर की कम से कम 250-300 पेशेंट की सर्जरी यहाँ पे इस सेंटर पे हुई है और सारे पेशेंट जिनका फॉलोअप लिया जाता है, सारे के सारे लगभग सब के सब ठीक हैं। तो एक मेडिकल फील्ड से होकर आप मॉडलिंग की तरफ भी रुख कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट कब से आया आपके? ये स्टार्टिंग से है, अब हम लोग को इतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोग उसमें इन्वॉल्व हो पाए, लेकिन मौका मिलेगा तो जरूर आगे हम ट्राई करेंगे। तो गोंडा की जनता डॉक्टर धर्मेंद्र को और आगे कहाँ देखने को पाएगी? अब समय बताएगा। खान से लेकर सलमान खान तक भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, कोशिश यही है कि आगे भी फिल्मों में भी ट्राई करें।